मेड्रामी की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगी, मुबशा इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह से मालूम होना शुरू हो गई है कि जैद और रायरा के दरमियान उसकी वजह से किस कदर फासले पैदा हो गए हैं, और यही सब कुछ तो वो चाहती थी। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी प्लानिंग इस कदर कामयाब हो जाएगी। इधर आसिम अंकल मुबशा से कहते हैं, वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी सोच को, इस बात को लेकर मैं काफी ज्यादा परेशान था कि तुम जैद की दूसरी शादी के लिए कैसे रजामंद हो सकती हो, लेकिन जब से तुमने आयरा को जैद की जिंदगी का हिस्सा बनाया है उसके सर से तो आयरा की मोहब्बत कबूत उतरता जा रहा है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है मुबशा। आसिम अंकल, मैंने आपसे कहा था ना कि बस आप थोड़ा सा सब्र करें, होगा वही जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि एक लड़की अपने शोहर की दूसरी शादी करवाने के लिए इसीलिए रजामंद हो सकती है जब उसे इस बात का यकीन हो कि ये सब कुछ करके वो अपने शोहर के दिल में अपने लिए हमदर्दी पैदा कर सकती है, और ये हमदर्दी कब मोहब्बत में बदल जाए इसका मुझे अंदाजा नहीं। दूसरी तरफ जैद आयरा के रवैये से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि आयरा को हो क्या गया है, आखिर वो मुबशा के इस कदर खिलाफ कैसे हो सकती है। पहले तो उसका रवैया मुबशा के साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब वो मुबशा का वजूद उस घर में देखना भी नहीं चाहती। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।